धंधे ऐसी आर्थिक गतिविधियों को कहते हैं जिनमें वस्तुओं का निर्माण होता है या खनन करके चीजों को निकाला जाता है, ठीक ना। तो वस्तुओं के निर्माण करने की प्रक्रिया को उद्योग कहते हैं, ठीक ना। वस्तुओं की निर्माण करने की प्रक्रिया को उद्योग, हाँ। या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि वस्तुओं के मूल्य वर्धन को ही उद्योग उद्योग कहते हैं। वस्तुओं के जब मूल्य में वर्धन किया जाए, मूल्य की वृद्धि हो जाए, जैसे एक लकड़ी है और उससे कुर्सी बना दी जाए, लकड़ी से क्या बना जाए, कुर्सी, तो क्या हो जाएगा, लकड़ी का मूल्य बढ़ जाएगा, कुर्सी का मूल्य अधिक होता है ना, तो उसके मूल्य में क्या हो गया, वृद्धि हो गई, ठीक। उद्योग धंधे क्या है, जिनसे वस्तुओं का निर्माण होता है, या ऐसी प्रक्रिया जिसमें कच्चे माल से उत्पाद तैयार किए जाते हैं, है ना, या खनन से या किसी भी प्रक्रिया से, चाहे वो कृषि क्षेत्र से हो और या खनन से हो। उद्योगों में क्या किया जाता है, उद्योग और कृषि एक दूसरे पर निर्भर है। कृषि से उद्योगों को क्या मिलता है, कच्चा माल, कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और उद्योगों से कृषि को रासायनिक खाद और मशीनें उपलब्ध होती हैं। जैसे अगर हमें सूती वस्त्र उद्योग शुरू करना है तो क्या करेंगे, कृषि से हमको क्या मिलेगा, कपास, और कपास का उत्पादन अच्छा हो इससे, इसके लिए हमें उद्योगों से रासायनिक खाद और मशीन मिलती है। यानी उद्योग और कृषि एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक ना, इतना समझ में आया। इसके बाद देखो उद्योगों के कौन कौन से कारक हैं, यानी कि उद्योग हमको खोलना है तो हम किन किन चीजों का ध्यान देंगे। तो हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं अच्छे से कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए, भूमि, क्या चाहिए, हमारे पास भूमि होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर पूंजी, यानी क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तीसरे नंबर पे कच्चा माल, क्या चाहिए, कच्चा माल। चौथे नंबर पे श्रम शक्ति या श्रमिक, है ना, होना चाहिए। पांचवे नंबर पे ऊर्जा के, हाँ, ऊर्जा या शक्ति के साधन, कौन कौन से साधन है, कोयला, बिजली आदि। और क्या चाहिए, यातायात के साधन, यातायात के साधन। और क्या चाहिए, बाजार चाहिए, हाँ, मशीन चाहिए, बाजार भी पास में होना चाहिए, दूर संचार की व्यवस्था होनी चाहिए, किस चीज की होनी चाहिए, दूर संचार, तकनीक होनी चाहिए, आधुनिक मशीन होनी चाहिए। ऐसे बहुत से कारक हैं जो हमको उद्योग धंधे लगाने के लिए चाहिए। इन कारकों के अगर रह जाए, जाता है आपके साधन नहीं रहेंगे तो हम माल को इधर से उधर नहीं ले जा सकते, ठीक ना। तो क्या क्या चाहिए, भूमि, पूंजी, कच्चा माल, श्रम शक्ति, ऊर्जा या शक्ति के साधन, यातायात के साधन, बाजार और दूर संचार। अब ये अधिकारी कहाँ है ये पता करने के लिए हम इसका मोबाइल का यूज करते हैं, पता चल जाएगा ना। कोई पता अगर भटक गया कहाँ माल ले जाना है, तो उसके लिए हमें दूर संचार की आवश्यकता पड़नी चाहिए। आधुनिक तकनीक है तो अच्छे से काम होगा, आधुनिक तकनीक है तो क्या होगा, अच्छे से। और भूमि तो चाहिए जिसपे उद्योग हमारा स्थापित हो, पूंजी चाहिए, पैसा रुपया चाहिए, बिना पैसे के उद्योग हम कैसे खरीदेंगे, कच्चा माल। उसके बाद कच्चा माल चाहिए, है ना। अगर क्या है, हमको लॉ स्पार्क को करना है तो हम खनन से क्या करेंगे, लॉ एस पहले निकालेंगे, उसके बाद श्रम शक्ति, श्रमिक ले रहेंगे तो काम कौन करेगा। शक्ति के साधन चाहिए, ईंधन सबके लिए चाहिए, हर उद्योग के लिए ईंधन जरूरी है। यातायात के साधन, सड़कें होनी चाहिए, सड़क पे वाहन की अच्छी व्यवस्था हो सकती है। पास में बाजार, जब मांग ही नहीं रहेगी और हम कोई वस्तु का निर्माण कर दिए और पास में मार्केट नहीं है, बाजार नहीं है, तो क्या होगा, हम चीजों को बेच नहीं पाएंगे, ठीक ना। इसके बाद देखो, अब स्वामित्व के आधार पे, यानी किसका मालिकाना हक है, स्वामित्व के आधार पे जो उद्योग होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तीन तरह। कितने तरह के होंगे, तीन। पहला क्या होगा, सार्वजनिक क्षेत्र के, कौन सा होगा, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, यानी कि जिसमें किसका नियंत्रण रहेगा,
संयुक्त या सरकारी। तो संयुक्त क्षेत्र में जो है सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों मिल के काम करते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर तीन प्रकार के उद्योग धंधे हो गए। इसके अलावा वस्तु निर्माण के कुछ उद्योग होते हैं जिसमें वस्तुओं का निर्माण होता है। दैनिक जीवन में हमें वस्तुएं चाहिए ना, जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमको चौक चाहिए और क्या चाहिए, ब्लैक बोर्ड या बोर्ड चाहिए, किसी भी प्रकार का बोर्ड चाहिए है ना, चौक है, डस्टर है, कॉपी है, किताब है, बहुत कुछ चीजें चाहिए पढ़ाने के लिए, मेज चाहिए, कुर्सी चाहिए है ना। तो ये सब कहाँ से आएगा, किस प्रकार के उद्योग से, वस्तु निर्माण के उद्योग से। ऐसे उद्योग जिसमें वस्तुओं का निर्माण होता है उनको वस्तु निर्माण उद्योग कहते हैं ना। तो इस टाइप में तीन प्रकार के उद्योग हो जाए, कौन कौन से, वो स्वामित्व के आधार पे थे, लघु, कुटीर और भारी उद्योग। लघु, कुटीर और भारी उद्योग, ये बच्चों था स्वामित्व, यानी किसका उसके ऊपर हक है, स्वामित्व के आधार पे तीन प्रकार के थे ठीक ना। और ये है वस्तु निर्माण के आधार पे, किस प्रकार की वस्तुओं का हो रहा है, कैसी चीजें बन रही हैं। तो ये क्या क्या हो जाएगा, लघु और दूसरा कुटीर और तीसरा भारी। तो देखो लघु उद्योग में क्या रहेगा, ये सब कम कम चीजें रहेगी, जैसे हमें क्या चाहिए, कम कम कच्चा माल चाहिए, कम श्रमिक चाहिए, कम पूंजी चाहिए, कम शक्ति के साधन चाहिए, यानी हर चीज क्या होगा थोड़ा थोड़ा, या अगर आपके साधन भी छोटे ही चाहिए तो उसको कहेंगे लघु उद्योग। क्या कहेंगे, लघु उद्योग। अब इसमें देखो क्या क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, पंखे बनाना है, सिलाई मशीन है, साइकिल, जूते, कपड़े, तो किसी पंखे की कंपनी का नाम बताओ, उषा और बजाज और जो कुटी में ही बनाए, यानी घर में ही जो बनाए, हाँ, जिसमें वस्तुओं का निर्माण कहाँ हो, अपने घर में, घर में ही हो, घर के ही सदस्य करें, छोटी छोटी चीजें, ज्यादा श्रमिक भी नहीं चाहिए। अधिकतर इसमें क्या होते हैं, घर के सदस्य, रिश्तेदार, ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं, उन उद्योगों का निर्माण करते हैं ठीक ना। इसके बाद क्या है, इसमें क्या क्या है, देखो उसको पढ़ो, खादी है, कुटीर में क्या क्या है, हथकरघा है, चर्म उद्योग है। अब चर्म उद्योग के लिए हमको कच्चा माल क्या चाहिए, चमड़ा, क्या चाहिए, चमड़ा। कालीन और दरी की बुनाई है, सब्जी पर साड़ियों पर कढ़ाई है, साड़ियों पे क्या है, कढ़ाई। रस्सी बनाना है, कुक्कुट पालन है, मधुमक्खी पालन, ये सब कैसे उद्योग है, कुटीर उद्योग। ऐसे उद्योग जो है ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं और ग्रामीणों की जो आसपास के लोग होते हैं उनकी आवश्यकता को पूरा करते हैं, मतलब उनका बाजार जो होगा बहुत लिमिटेड होगा। अगर भारी उद्योग है तो दूर तक जाएगा, विदेशों में भी जा सकता है, देश के कोने कोने जाएगा। लघु उद्योग है तो एक राज्य से दूसरे राज्य तक जा सकता है ठीक ना। और अगर क्या है, कुटीर है तो वो अधिकतर क्या रहेगा, गांव के अपने क्षेत्र के आसपास रहेगा ठीक ना। अब इसमें क्या रहेगा, स्थानीय कच्चा माल रहेगा, श्रम शक्ति और मशीनें सब स्थानीय रहेगी, जैसे तिलहनों से तेल निकालना है ना, सरसों है, सरसों मिल गया, अब मशीन लगा कर उसमें से क्या करना है, तेल निकालना है, ये भी क्या है, कुटीर उद्योग। गेहूं पीसना, चक्की होती है ना, ये भी छोटे छोटे कृषि उपकरण बनाना है ना, जैसे छोटे छोटे कृषि उपकरण है उनको बनाना, रेशम के कीड़े पालना, ये सब क्या है, ग्रामीण उद्योग के उदाहरण है। अब देखो तुम्हारी बुक में 39 पेज पे दिया हुआ है, इसको भरो, कुटीर उद्योग का नाम और कुटीर।